एक अरसे के बाद देश की सबसे पुरानी और अभी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे देश की राजनीति को नई दिशा मिल सकती है। साथ ही जनाधार हासिल करने के संकट से गुजर रही कांग्रेस के लिए यह संजीवनी साबित हो सकता है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस कठिन वक्त में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला लेकर एक सराहनीय काम किया है। इस दौरान समाज के विभिन्न लोगों से जीवंत संपर्क होगा, उनकी तकलीफों से रूबरू होने का मौका पदयात्रियों को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा क्यों देश के लिए जरूरी विषय पर भिलाई में एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री बीडी कुरैशी, पीसीसी प्रदेश महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया, पूर्व भिलाई जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने भाग लिया। देखिए, जिस समय ये भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई, कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्देश था और यहाँ पे प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी का भी निर्देश रहा कि हमें स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच में जाकर भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जोड़ना है। और उसी एक प्रयास के तहत हमने एक परिचर्चा के माध्यम से आज एक बैठक करी और जिसमें कांग्रेस के लगभग 50 लोग एकत्रित होकर एक इस यात्रा से संबंधित जो जानकारियां थी एक दूसरे को शेयर की। अब हम इसको निचले स्तर तक, पारिवारिक स्तर तक, मोहल्ला स्तर तक और साथ साथ नुक्कड़ स्तर तक ले जाकर इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी वहाँ कदम से कदम बढ़ा रहे हैं और यहाँ हम परिवार से परिवार बढ़ाएंगे और लोगों के बीच में भारत जोड़ो यात्रा की सार्थकता को लोगों को जानकारी देंगे। बिल्कुल, जब ये यात्रा समापन होगी, निश्चित ही एक नए भारत में नए सूर्योदय की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इससे पूरे देश की माटी जुड़ी होगी, इस देश का मानव जुड़ा होगा और इस देश का मस्तिष्क और हृदय भी जुड़ जाएगा, तो निसंदेह 1947 वाले भाव फिर से दिखेंगे। देश को पुनः इन पूंजीपतियों से आज़ाद कराने के लिए जो अभियान है उसमें हम सफल होंगे निश्चित तौर पर। देखिए, इसे हम राजनीतिक चश्मे से ना देखें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ना हम कांग्रेस पार्टी वर्तमान में सरकार में है और ना ही हमारा ये सब उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी पहले भी राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने, सभी ने पदयात्राएं कर लोगों से आपसी संबंध को, संवाद को स्थापित किया, जिसके पश्चात वे एक बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में निखर के सामने आए। और ये भी एक प्रयास जो है कि लोगों तक पहुंचकर उनसे संवाद करके उनके साथ जुड़ने का और उनकी बातों को अपनत्व के साथ ग्रहण करने का प्रयास है। अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि जाने से ही उनसे आपको उनकी बातें, उनकी समस्याओं का पता लग सकता है। और इसलिए ये राहुल गांधी जी की जो एक अनुकरणीय ऐतिहासिक जो यात्रा है, ये देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। देखिए सर, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपना बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराया। और ये सबको मालूम है कि जो घर बनाता है उसे टूटने का डर उसी को दर्द होता है। जिन्होंने घर बनाया ही नहीं, उनके मन में दर्द आ ही नहीं सकता कि घर कैसे टूट रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद देश को 70 से 75 वर्षों में एक ऊंचाई तक पहुंचाया, एक समृद्ध, सशक्त और स्वतंत्र भारत का निर्माण कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। परंतु वर्तमान परिवेश में 2014 के बाद जो देश को विखंडित करने का, भावनाओं के साथ, आर्थिक विषमताओं के साथ, धर्म और जाति के हिसाब से जो विखंडित हो रहा है हिंदुस्तान, उसको जोड़ने का ये एक अनुकरणीय प्रयास है और जिसका कि इतिहास सदैव साक्षी रहेगा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, आदरणीय राहुल गांधी जी जिसमें शामिल हुए हैं, और ये पूरे देशवासियों की भावनाओं के अनुरूप देशवासियों की यात्रा है जिसके अंदर राहुल गांधी जी शामिल हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान से कार्यकर्ता इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए पहुँचे हैं और हर राज्य से, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, स्वतः इस यात्रा में शामिल हो रहा है। किसी को भी बुलाया नहीं जा रहा। और जिस तरह के वीडियो फुटेज हम देख रहे हैं, आदरणीय मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी भी यहाँ छत्तीसगढ़ से उस यात्रा में शामिल हुए, ये देख के लग रहा है कि हिंदुस्तान एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुस्तान एक नई आयाम लिखने को तैयार है।
देखिए मुझे तो छत्तीसगढ़ में कहीं से भी रत्ती भर भी बदलाव जैसे शब्द की भी गुंजाइश नहीं दिख रही है, क्योंकि आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व वाला संगठन निरंतर मजबूती के साथ आधार स्तंभ बनकर अंगद के पांव की तरह जमा हुआ है, और जिस तेजी के साथ हर वर्ग के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो वर्ग इनको आंखों पे बिठा रहा है। अभी मैं 5 जिलों के जो अभी नए गठन हुए हैं उन सब में गया हूं, और मैंने वहां देखा है कि लगभग 50 से 70 हजार की लोग की भीड़